हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन, जो हमारे आईबीपीएस एएफओ एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में हमने एक डीआई डिस्कस की थी जो हमारे पाई चार्ट पे बेस्ड थी, जिसमें पाई चार्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन था इन टर्म्स ऑफ डिग्री था, ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर इन टर्म्स ऑफ डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कैसे हम उसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमने ये जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, आईबीपीएस एएफओ एग्जाम के लिए, उसके लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम जीआई नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एंड क्वांटिटी कंपैरिजन एंड अर्थमेटिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने लास्ट में डीआई डिस्कस की थी और आज भी हम एक डीआई डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि डीआई का वेटेज जो रहता है वो काफ़ी अच्छा, 3 डीआई हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिनिमम मिलती है, 3 to 4 वैरी करता है, मिनिमम 3 हम हमेशा देखने के लिए हमें लास्ट 5 ईयर्स में मिल रही है, ठीक है। तो आज भी हम एक डीआई डिस्कस कर रहे हैं जो हमारी टेबल ग्राफ पे बेस्ड है, ठीक है। फर्स्ट पाई चार्ट मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट ग्राफ बताया था, वो फर्स्ट इज ए पाई चार्ट एंड प्लस उसके साथ लाइन ग्राफ या टेबल ग्राफ का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो आपके पास टेबल ग्राफ है, और टेबल ग्राफ में मिसिंग डीआई आने के चांसेस रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो टेबल ग्राफ पे एक मिसिंग डीआई ही है, या वेरिएबल की फॉर्म में। आजकल जो ज्यादातर डीआई आ रही है ना, उसमें देखिए डायरेक्टली डायरेक्ट डाटा नहीं दिया होता, वेरिएबल की फॉर्म में दिया होता या मिसिंग। तो वही सेम आज हम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक डीआई डिस्कस कर रहे हैं। और जब आपके पास इनिशियली कोई डीआई गिवन होती है टेबल ग्राफ की फॉर्म में या पाई चार्ट में, और उसमें जो जो डाटा दिया होता है वो वेरिएबल की फॉर्म में दिया होता है, तो एक चीज माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें उस डीआई में सबसे पहले डाटा को डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इनडायरेक्ट फॉर्म में गिवन है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन में डीआई को सॉल्व नहीं कर सकते, यानी उस ग्राफ को डायरेक्टली क्वेश्चन में ही उसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमें पहले इनिशियली कैलकुलेट करना ही होगा। इसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती अगर वेरिएबल फॉर्म में ग्राफ में मिसिंग डाटा है, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास आज किस टाइप की जो टेबल ग्राफ पे बेस्ड डीआई है, ठीक है। तो देखिए टेबल हमारे पास एक सिंगल टेबल ग्राफ है और उस पर देखिए किस टाइप का डाटा दिया है, ठीक है। तो टेबल ग्राफ शो दी नंबर ऑफ कैंडीज, मिंट्स, लॉलीपॉप्स एंड गमीज, ठीक है, इन 4 डिफरेंट शॉप्स, ठीक है। इट ऑल्सो शो द नंबर ऑफ मिंट्स एज परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ लॉलीपॉप्स, ठीक है, एंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ गमीज एंड लॉलीपॉप्स इन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गमीज एंड मिंट्स। तो देखिए हमें यहाँ पर किसका फर्स्ट कॉलम किसको डिफाइन कर रहा है इस टेबल ग्राफ में, 4 डिफरेंट शॉप्स में, ठीक है। ये 3 टाइप्स के कैंडीज हैं जो ये सेल हुई है, उसकी क्वान्टिटी हमें डिफाइन की गई है, ठीक है। अब सेकंड लाइन के कॉलम किसको डिफाइन कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ कैंडीज, यानी जो शॉप ए है, शॉप ए में 3 टाइप की कैंडीज सेल हुई है, पर उसमें जो टोटल कैंडीज है जो शॉप ए से सेल हुई है, ठीक है, तो वो हमारे पास कितनी है, 5200। तो टोटल का डाटा तो डायरेक्ट फॉर्म में दिया है शॉप ए का, बट नेक्स्ट देखिए हमारे पास किस टाइप का डाटा दिया है, द नंबर ऑफ मिंट एज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ लॉलीपॉप्स। जो ये परसेंटेज है ये किसके बीच के रेशियो को डिफाइन कर रहा है, तो पॉइंट समझना, मिंट अपॉन मिंट लॉलीपॉप्स, यानी हमारे पास जो नंबर ऑफ लॉलीपॉप्स, ठीक है, कौन से उसके शॉप्स की बात कर रहे हैं, शॉप ए में, ठीक है, उसके परसेंटेज को बताता है। यानी अगर मैं कहूं 75% है, तो 75% की फ्रैक्शन इज 3/4, तो 3/4 पता है क्या डिफाइन कर रहा है, अगर मिंट कैंडी 3 रेशो में सेल हुई है, ठीक है, तो 4 लॉलीपॉप्स कैंडीज जो है ना वो 4 रेशो में सेल हुई है, ये हमें क्लियर बताएंगे, ठीक है, ये बात हमें क्लियर दी गई है, ठीक है। इन शॉप्स में जो आपके पास मिंट कैंडी है और लॉलीपॉप कैंडीज है वो किस रेशियो में है, तो 3:4, 75% जिसकी फ्रैक्शन होती है 3/5, ये उसके रेशियो को बता रहा है, यहाँ पे क्लियर बताया गया है नंबर ऑफ द मिंट एज परसेंटेज, ठीक है, नंबर ऑफ लॉलीपॉप, लॉलीपॉप का इतने परसेंट है, तो किसके परसेंटेज रेशियो को बता रहा है ये, तो इसमें रेशियो है मिंट टू लॉलीपॉप 75%। यानी यहां से अगर मैं डायरेक्टली ले सकती हूँ, तो देखिए ये चीज अभी मैं सिर्फ इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये परसेंटेज को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, सम ऑफ द नंबर ऑफ गमीज एंड लॉलीपॉप्स, ये किसका सम है, गमीज एंड लॉलीपॉप्स का,
ठीक है, तो ये पी वेरिएबल की फॉर्म में दिया, इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी होगी. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द गमीज एंड द मिंट. ये डिफरेंस बता रहा है गमीज एंड मिंट का, तो ये जाहिर सी बात है अगर मुझे इस पी की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक इक्वेशन यहाँ बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ. अगर मैं इक्वेशन बेसिस से सॉल्व करती हूँ ऐसे ही आगे प्रॉपर पूरी डीआई में, ठीक है, काफी डाटा मिसिंग है या क्यू परसेंटेज यही नहीं है, तो हम रेशियो क्या फाइंड कर सकते हैं? नहीं. तो देखिए इस डीआई में जो डाटा है हमें किस कैसे उसे डायरेक्ट फॉर्म में स्मार्ट अप्रोच से कैलकुलेट करना है, यही सबसे मेन चैलेंज है. ठीक है, इस डीआई में सबसे मेन चैलेंज यही है जो हमारे पास ये डीआई दी है. ठीक है, इसमें डायरेक्ट फॉर्म में जो डाटा कन्वर्ट करना है हम कैसे स्मार्ट अप्रोच से इसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो चलिए सीखते हैं इसमें कि हम इस डीआई को कैसे कैलकुलेट करेंगे. देखो इसमें मुझे जो डाटा फाइंड करना है ना, पहले मैं उस पॉइंट पे आती हूँ. मुझे यहाँ से जो कैलकुलेट करके डाटा निकालना है वो ये है, थ्री टाइप्स ऑफ कैंडीज है. कितनी कैंडीज हैं? थ्री टाइप्स ऑफ कैंडीज. ठीक है, फर्स्ट इज ए मिंट, सेकेंड इज ए आपके पास लॉलीपॉप एंड थर्ड इज ए गमीज. ठीक है, तो मुझे इनका ही नंबर फाइंड करना होगा इन इक्वेशन को कैलकुलेट करके. मुझे क्या, यहाँ ये वैल्यू किसकी दी है? तो ये मिंट प्लस लॉलीपॉप प्लस गमीज इसका टोटल है. ये बात क्लियर है? ठीक है, मिंट प्लस में लॉलीपॉप्स प्लस में गमीज इनका टोटल है. ये बात क्लियर हमें पता है. इनसे मुझे कैलकुलेट फाइनली क्या करना है, नंबर ऑफ मिंट्स कैंडीज जो है जो शॉप ए के पास है, ऐसे सेकेंड इज लॉलीपॉप एंड थर्ड इज ए गमीज. ठीक है, इनकी वैल्यू फाइंड कर कैसे स्मार्ट अप्रोच से फाइंड करेंगे. अब ये देखिए आपके पास, आपको पता है फर्स्ट कॉलम टोटल को डिफाइन कर रहा है, सेकंड कॉलम किसके रेशियो को बता रहा है, तो यहां पर लिख रही हूं मिंट अपॉन में लॉलीपॉप के, और ये सम है किसका, तो यहां पर लिख रही हूं जी प्लस में एल का. ठीक है, और ये डिफरेंस है किसका, जी माइनस एम का. तो देखिए मैंने इन सबकी वैल्यू लिख दी है. अब इसी से हमें चीजों को समझना होगा. ये रेशियो है G प्लस M का, M प्लस L का, M अपॉन में L का सॉरी. ठीक है, ये G प्लस L का सम है और ये G माइनस M की वैल्यू. ठीक है, अब हम आते हैं फर्स्ट शॉप A के डाटा में. हमारे पास ये M प्लस L का जो रेशियो है कितना दिया है, 75%, जिसकी फ्रिक्शन होती है 3/4. 3/4 क्या डिफाइन करती है, M की वैल्यू इज 3x और L की वैल्यू इज 4x. M की वैल्यू इज 3x और L की वैल्यू इज 4x. तो L की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगी. G की वैल्यू मेरे पास नहीं है, G की वैल्यू मैं क्या मान लेती हूँ, Y, या G ही मान सकती हूँ. ठीक है, Y मान लेती हूँ. चलिए G की वैल्यू Y मान ली, तो G प्लस में 3x और G माइनस x. ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी दी है, तो G की वैल्यू मैंने Y मानी और Y माइनस M की वैल्यू कितनी है, 3x, और Y माइनस 3x की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो ये देखिए आपके पास सम कितना दिया हुआ है यहाँ से, तो ये 1200 के इक्वल. ये बात क्लियर है? तो यहां से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, तो y की वैल्यू देखिए यहां से भी हम देख सकते हैं आपके पास ये सम दिया है. अब पॉइंट समझना, 3x प्लस 4x, और अगर मैं g की वैल्यू की बात करती हूँ तो इसका सम आपके पास कितना दिया है, 5200. इसका सम कितना दिया हुआ है आपके पास, 5200. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे इक्वल रख सकते हैं. देखिए यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड करूँ तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस पॉइंट से समझना, तो y इज इक्वल इन टू 1200 प्लस में 3x. इस इक्वेशन से मैंने y की वैल्यू फाइंड करी, कितनी आई, 1200 प्लस में 3x. और आपको पता है m प्लस l प्लस g की वैल्यू आपके पास 5200 है. m की वैल्यू इज 3x, l की वैल्यू इज 4x और g की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं x की टर्म्स में 1200 प्लस 3x. और ये किसके इक्वलेंट है, तो मैं यहां पर लिख रही हूँ 5200 के इक्वलेंट है. ये किसके इक्वलेंट है, 5200. 4x प्लस 3x प्लस 3x इज 10x. 10x और ये 1200. ये 1200 इधर जाएगा, 4000 बन जाएगा. बार बार हर स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है. 5200 में से 1200 डिडक्ट होगा 4000 और ये किसके इक्वलेंट होगा, 10x के इक्वलेंट. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x इज 400. डायरेक्टली कीजिए इसे कैलकुलेट.
ठीक है, और आप स्मार्ट अप्रोच से यहाँ पे डायरेक्टली लग सकते थे 3x एंड 4x यहाँ पे ये, और g की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते, ठीक है, y प्लस में आपके पास y की वैल्यू कितनी आती 1200 प्लस में 3x, तो हम यहाँ पुट करते y x इज 400, x इज 400, तो यहाँ से देखिए मिंट की वैल्यू कितनी है, मिंट इज 3x, 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज 400, 3x इज 1200, ठीक है। सेकंड इज लॉलीपॉप, y l की वैल्यू कितनी है 4x, 4x की वैल्यूज x इज 400 तो 4x इज 1600, ठीक है। और थर्ड इज आपके पास गमीज, गमीज की वैल्यू कितनी है आपके पास y प्लस में 3x प्लस में 1200, 3x की वैल्यू इज 1200, 1200 प्लस 1200 इज 2400, तो देखिए हमने इसे कैलकुलेट कर लिया फ्रिक्वेंटली, ठीक है। ऐसे ही अब हम बात करते हैं सेकंड की, ठीक है। सेकंड में हमारे पास देखिए क्या डिफरेंस दिया है, सेकंड इक्वेशन को मैं लेती हूँ, अब फर्स्ट इक्वेशन का डाटा यहाँ से हटा रही हूँ मैं, ठीक है। देखिए हमारे पास टोटल दिया है एम एल एंड जी का कितना दिया है 5800, और हमें यहाँ पर g माइनस m की वैल्यू दी है वो कितनी दी है आपके पास 700, पर यहाँ पे आपके पास g प्लस l की वैल्यू भी कितनी दी है, p, p हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, p की वैल्यू भी है, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ p इज 4000, फर्स्ट वेरिएबल हमने फाइंड किया है p, p की वैल्यू कितनी है 4000, सॉरी p की वैल्यू तो हम फाइंड करेंगे, सॉरी इसे कैलकुलेट अगेन, p इज y प्लस में 3x है, p की वैल्यू हमारे पास क्या है y प्लस में 3x, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2400, अच्छा मैंने सही बोला था, एंड 3x की वैल्यू इज 1200, ठीक है। तो 1200 ये आपके पास वैल्यू क्या कितनी हो जाएगी 3x प्लस, सॉरी लॉलीपॉप इज 4x, y प्लस 4x है, देखिए इसी अकॉर्डिंग अब हम शॉप बी का डाटा फाइंड कर लेंगे, शॉप बी भी थ्री टाइप्स की कैंडी है और उसका सम हमें कितना दिया 5800, ठीक है। और यहाँ पे हमें देखिए डिफरेंस बिटवीन दी गमीज एंड मिंट, उसका डिफरेंस कितना दिया 700, और पी की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे, पी हमारा क्या था तो गमीज प्लस लॉलीपॉप, लॉलीपॉप इज 4x, इसे करेक्ट कर लेंगे, लॉलीपॉप की वैल्यू 4x है, ये हमने फाइंड नहीं किया तो हमने ध्यान भी नहीं दिया, ठीक है। वाई प्लस में 4x, वाई की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, ठीक है, तो y की y y हमारे पास क्या था गमीज, और गमीज की वैल्यू हमने फाइंड की है 2400 प्लस 4x, 2400 प्लस 4x, 4x की वैल्यू कितनी है 1600, यानी इन दोनों का सम, ठीक है, तो लॉलीपॉप एंड गमीज का सम कितना है आपके पास 4000, तो यहां से हमारे पास p की वैल्यू, देखिए मैं अलग से भी लिख देती हूं, p की वैल्यू कितनी आ गई है 4000, तो देखिए p की वैल्यू हमारे पास अब क्या है, ऊपर वाले से ही p की वैल्यू हम यहाँ पर ले लेंगे, क्योंकि वेरिएबल तो सेम है ना, और वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल की वैल्यू भी सेम होगी, ठीक है। तो p की वैल्यू हमने फर्स्ट शॉप a से पिक की है, शॉप a में उस डाटा को फाइंड किया है और b में हमें उसे यूज करना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास g प्लस l का सम दिया 400 और g माइनस m की वैल्यू दिया 700, ठीक है, टोटल हमारे पास दिया यहाँ पे 5800, पॉइंट समझना, g प्लस l की वैल्यू यहां से देखिए g प्लस m प्लस एल, इसकी वैल्यू आपको दी है 5800, ठीक है, और इसमें से मैं डिडक्ट कर रही हूं जी प्लस एल की वैल्यू, तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, वो क्या है 4000, ठीक है, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी एम की वैल्यू, तो एम की वैल्यू इज 1800, मिंट आ जाएगा, मिंट इज 1800, ठीक है, मिंट की वैल्यू 1800 आ गई। अब पॉइंट समझना, नेक्स्ट हमें क्या दिया है, गमीज एंड मिंट का डिफरेंस दिया है, ठीक है, यानी जी माइनस में
एम की वैल्यू आपको कितनी दी है 700 शॉप बी के लिए, और मिंट की वैल्यू आपके पास 1800 है, यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये 1800 माइनस का इधर जाएगा, तो यहाँ से देखिए जी की वैल्यू कितनी आएगी, जी की वैल्यू 2500, ठीक है। तो गमीज कितनी आ गई 2500। अब देखिए 1800 प्लस 2500 सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास 4300, 58 में से 4300 डिडक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा 1500, तो यानी यहां से लॉलीपॉप की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500, ये बात क्लियर है। तो लॉलीपॉप कितनी आ गई शॉप बी में, लॉलीपॉप्स कितनी सेल की या थी, तो कितनी थी 1500। तो हमने ऐसे शॉप बी का डाटा फाइंड कर लिया, बट अब हमें यहाँ पे क्यू परसेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्यू परसेंट की। तो देखिए क्यू परसेंट हमारे पास किसका रेशो है, मिंट एंड लॉलीपॉप का। मिंट कितनी है हमारे पास, अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो 1800, एंड लॉलीपॉप कितनी है 1500, और इसकी फ्रिक्शन कितनी बनती है 6/5। 6/5 किसके इक्विवेलेंट होता है 120%। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 120%, ठीक है। Q इज 120%। अब हम शॉप C का डाटा फाइंड कर लेते हैं इसी के रेस्पेक्ट में। तो देखिए शॉप C का डाटा देखिए, थर्ड हमारे पास शॉप सी की बात की है, टोटल हमें गिवन है। क्यू की वैल्यू देखिए 0.5 क्यू, ये हमें यहाँ पे रेशियो को बता रहा है 120 का, ठीक है। 0.5, 0.5 इज 1/2, तो ये क्या है 60%। कितना हो जाएगा 60%, और 60% की फ्रिक्शन इज 3/5। 3/5 क्या बताती है, मिंट की वैल्यू कितनी है 3x हम मान सकते हैं, और आपके पास इसकी लॉलीपॉप की वैल्यू कितनी है 5x, ठीक है। लॉलीपॉप्स की वैल्यू कितनी है 5x, और यहाँ पे R की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और इसका सम आपको 5000 दिया है। देखिए आपके पास टोटल कितना है, ये हमारे पास सम किसका है, टोटल हमारे पास वही सेम चीज है, जी एम प्लस एल प्लस जी का सम कितना है 6200, और जी प्लस एल का कितना है आपके पास, ठीक है 5000। तो यहाँ से डायरेक्टली मिंट नहीं ले सकते जैसे हमने प्रीवियस में लिया था, ठीक है। इसमें से इसको डिडक्ट करेंगे तो 1200, और इन तीनों में से देखिए एल से जी एल जी एल जी एल से हम एल इज लॉलीपॉप एंड जी इज गमीज, डिफरेंस करेंगे तो मिंट आएगी, और मिंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनका डिफरेंस इज 1200। तो डायरेक्टली लिखिए मिंट इज 1200, ठीक है। बार बार कैलकुलेशन मत लिखिए, 60% की फ्रिक्शन इज 3/5, 3x एंड 5x। अब देखिए हमारे पास मिंट की वैल्यू आ गई है 1200, और मिंट की वैल्यू है कितनी 3x, 3x की वैल्यू 1200, तो x की वैल्यू इज 400, तो 5x की वैल्यू इज 5x इज 2000, और 5x है क्या लॉलीपॉप्स, तो लॉलीपॉप्स इज 2000, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ दी क्या होंगी, रेस्ट ऑफ दी आपके पास गमीज, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, डिडक्ट कर दीजिए 3200, 6200 में से ये कितनी आ जाएगी 3000, ये 3000 आ गई। और हमारे पास आर किसकी वैल्यू, जी माइनस एम, जी की वैल्यू इज 3000, एम की वैल्यू इज 1200, 3000 माइनस 1200, तो जी माइनस एम की वैल्यू इज आर की वैल्यू इज 1800, ठीक है। तो यहां से हमने सी का भी डाटा, शॉप सी का डाटा भी फाइंड कर लिया। अब शॉप सी के बाद देखिए शॉप डी का डाटा, ठीक है। शॉप डी में देखिए हमारे पास ये एस मिसिंग है प्रॉपर, ठीक है 80%, तो ये क्या रेशियो को बताता है 4x एंड 5x, ठीक है। 850 हमें गिवन है, R प्लस में 2200, R की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए, तो ये R की वैल्यू 1800 प्लस में 2200 इज 4000, 4000 किसका सम है, G प्लस L का, G प्लस में L का, ठीक है। और 850 हमें डिफरेंस दिया है G माइनस M का, ठीक है। और अगर हम कहें G माइनस M का डिफरेंस दिया है, तो देखिए हमारे पास यहाँ से S की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, पॉइंट समझना, ठीक है। तो हमारे पास देखिए अगर हम M और L की वैल्यू, ठीक है M और L की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपके पास G की वैल्यू कितनी आएगी, 4000 G प्लस L की वैल्यू, तो यहाँ से अगर मैं G की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो आपके पास क्या होगा 4000 माइनस में, ठीक है L, L इज 4x 5x, सॉरी
ठीक है। और यहां से अगर मैं जी की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, मिंट कितना है, 4x, ठीक है। तो जी माइनस एम की वैल्यू आपके पास कितनी है, 850, और एम की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4x। माइनस का 4x इधर आएंगे तो जी की वैल्यू इज 850 प्लस में 4x। तो इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। इक्वल रखेंगे तो देखिए 4000 माइनस 5x किसके इक्वलेंट है, 850 प्लस में 4x के, ठीक है। ये माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 9x, ठीक है। 4000 में से 850 डिडक्ट करेंगे 3150, 9 से ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, 9 3 जा 27, 9 5 जा, तो x की वैल्यू इज 350। तो हमारे पास यहाँ पुट कर देंगे 4x की वैल्यू, मिंट कितना था हमारे पास 4x, ठीक है। मिंट कितना था हमारे पास 4x, तो मिंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज 350, तो 350 इंटू 4, ठीक है। 350 का ट्वाइस अगर करती हूँ 700, अगेन ट्वाइस इज 1400, तो मिंट इज 1400, ठीक है। 350 इंटू 5 इज लॉलीपॉप है तो 1750, ठीक है। और आपके पास रेस्ट ऑफ दी गमीज, गमीज की बात करें तो यहाँ उसके वैल्यू हमारे पास क्या है, ठीक है, 850 प्लस में आपके पास क्या है, 850 प्लस या 4, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों बातें सेम है, ठीक है। 4000 में से 5x यानी 1750 डिडक्ट करेंगे, ठीक है, 4000 में से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2250। अब 2250 आ गए तो इसका सम s के इक्विवेलेंट है, तो हमें यहां से s की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इन दोनों का सम करूंगी तो आपके पास कितना आएगा, 4000, और ये आपके पास 1400 और है 5400। तो यहां से देखिए, हमने पहले p की वैल्यू फाइंड की थी 4000 वेरिएबल में, q की वैल्यू इज 120% एंड थर्ड वेरिएबल इज r, r इज 1800 एंड फोर्थ वेरिएबल इज s, s की वैल्यू इज 5400। तो हमने ये चार वेरिएबल भी फाइंड किए यहाँ से, ठीक है। अब इस पे बेस di देखते हैं, हमने इसे टेबल डायरेक्ट फॉर्म में टोटली कन्वर्ट कर दिया है, तो अब इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही टेबल मैंने यहाँ ले लिया, बस हमारे पास p q r s जो वेरिएबल थे उनकी वैल्यू मैं एक बार और रिमाइंड करा दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गमीज इन शॉप ए एंड शॉप बी। शॉप ए एंड शॉप बी में जो गमीज थी, ठीक है, उसका डिफरेंस बताना है। तो शॉप ए में जो गमीज थी, ठीक है, उसकी वैल्यूज 2400 एंड शॉप बी में जो गमीज थी 2500, और डिफरेंस आपके सामने है 100, ठीक है। तो डिफरेंस इज 100, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ मिंट्स इन शॉप बी सी एंड डी टुगेदर। हमारे पास इन तीन शॉप्स में जो नंबर ऑफ मिंट कैंडी है, ठीक है, उसकी वैल्यू बतानी है, पर डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, वेरिएबल की फॉर्म में, यानी इसमें भी वैल्यू पुट करनी होगी। तो पहले हम टोटल फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, इन शॉप्स में कितनी टोटल कैंडी है, मिंट कैंडी कितनी है, तो वो कितनी है हमारे पास, 1800, 1200 एंड 1400। इसका सम हमारे पास कितना आ जाएगा, तो सम इज 4400, ठीक है। अब 4400 हमारे पास इसमें से पी क्यू आर एस की वैल्यू फाइंड करनी होगी। देखिए पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 4000, ठीक है, एंड क्यू की वैल्यू कितनी थी, 120, एंड आर की वैल्यू इज 1800, और आपके पास एस की वैल्यू इज 5400, ठीक है। ये हमारे पास पी क्यू आर एस की वैल्यू आई थी, तो हम फर्स्ट से फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। एस की वैल्यू इज 5400, 5400 में से अगर मैं 1000 सबट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो आपके पास क्या ये वैल्यू आती है, यस 4400, फर्स्ट ऑप्शन ही सेटिस्फाई हो जाता है, यानी एस माइनस 1000 इज आंसर, ठीक है। अगर फर्स्ट नहीं होता तो फिर आपको वैल्यू रख कर देखनी होती है, थोड़ा बहुत अंदाजा भी होता है कि वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एस माइनस 1000। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ द गमीज इन शॉप डी वाज हाउ मच परसेंट मोर देन द लॉलीपॉप्स इन शॉप बी। ठीक है, ये दो बार नंबर ऑफ लग गया है, ठीक है, इसे इग्नोर कर देंगे। शॉप डी में, डी से जो गमीज है वो कितनी है, 2250, ठीक है। ये हमारे पास किससे, लॉलीपॉप इन शॉप बी, शॉप बी में जो टोटल लॉलीपॉप्स हैं वो कितनी है आपके पास, 1500, ठीक है। इससे कितने परसेंट मोर है, तो पहले तो मोर देखिए कितना है,
अगर मैं डिफरेंस करूं तो मोर कितना है 750, और किस से शॉप बी में जो आपके पास क्या है लॉलीपॉप्स वो कितनी है 15, जस्ट ट्वाइस दिखाई दे रहा है तो कितना होगा 50% मोर है, ठीक है 50% मोर है, ये बात क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ सॉरी, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गमीज एंड द नंबर ऑफ लॉलीपॉप्स इन शॉप सी। शॉप सी में जो नंबर ऑफ गमीज और नंबर ऑफ लॉलीपॉप्स, पहले रेशियो हमें गमीज का रखना है, ध्यान रखना ठीक है, शॉप सी में तो ये हमें 3000 एंड 2000, तो रेशियो क्या है, रेशियो हमें गमीज टू लॉलीपॉप का फाइंड करना है, तो 3000 एंड 2000, तो रेशियो आपके पास आएगा 3:2, बस इसका ध्यान रखना 3:2, 2:3 नहीं, ठीक है। जो आंसर हमारा है 3:2 इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 4s क्यू बाय 4 माइनस पी प्लस आर, यहाँ वेट वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। P की वैल्यू कितनी थी 4000, अगेन लिख रही हूँ, Q की वैल्यू इज 120 सॉरी, ठीक है। आर की वैल्यू इज 1800 और एस की वैल्यू इज 5400, ठीक है। यहाँ पुट कर देते हैं 4s 4 × 5400, ठीक है। क्यू 120/4 माइनस पी प्लस आर, पी की वैल्यू इज 4000 और आर की वैल्यू इज 1800, ठीक है। इसे पुट कर देंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5000 × 4 = 20000, 400, 1600, 21600 प्लस ये कितना आ जाएगा आपके पास 30, माइनस ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5800, ठीक है। इसका सम करेंगे तो 21600 माइनस में से 5800, तो देखिए ये लास्ट वैल्यू अगर हम कहें तो 30, ठीक है। 16 में से 8 इज 8, ठीक है, यहाँ पे 0 0, 10 में से 5 इज 5 और 1, ठीक है 15830, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इस इक्वेशन का, 15830, जो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डीआई डिस्कस करेंगे वो पाई चार्ट प्लस लाइन ग्राफ का कॉम्बिनेशन होगा, और जो डीआई हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसका जो लेवल रहेगा वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। आपके मोटिवेशन से मैं नई नई वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।